हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नए किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां फ्रेंड्स, नए किसानों का पैसा आना शुरू हो गया है। एक नए किसान भाई को 2000 रुपये का किस्त का पैसा उनके अकाउंट में जो है आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नए किसान का पैसा आना शुरू। एक नए किसान को मिला 2000 रुपये किस्त का पैसा, आपको कब मिलेगा देखिए लाइव प्रूफ। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नए किसान भाई को जो है 2000 रुपये किस्त का पैसा मिल चुका है और उनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8/2020 है। मतलब अगस्त महीने में वो रजिस्ट्रेशन कराए थे 1 तारीख को और उनका PFMS रिस्पॉन्स डेट यहाँ पर 3/8/2020, मतलब 3/8/2020 को उनका PFMS एक्सेप्ट कर लिया था और उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाउन हो चुका है 24/8 को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आपको पैसा कब मिलेगा और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ये जो किसान भाई है उनको पैसा मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए और अगर आपको पीएम किसान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस किसान भाई का स्टेटस दिखाते हैं। तो आपको स्टेटस देखने के लिए आपको पता है पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ता है। तो चलिए पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। यहाँ पर किसान भाई का स्टेटस ओपन कर लिए हैं। तो आपको पता है स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन पर जाना होता है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है आपका बेनिफिशरी स्टेटस में क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। तीनों में से किसी एक को डालने के बाद आपका स्टेटस शो होने लगता है। तो एक किसान भाई का स्टेटस हम ओपन कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम दिया हुआ है, फॉर्मर नेम दिया हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन डाउन है, एक्टिव इनएक्टिव में एक्टिव, PFMS बैंक स्टेटस में फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई PFMS बैंक, आधार स्टेटस में आधार नंबर वेरीफाई, रजिस्ट्रेशन डेट देख लिए 1/8/2020, मतलब अगस्त महीने में ये रजिस्ट्रेशन कराए थे 1 तारीख को और इनका PFMS रिस्पॉन्स डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/8/2020, मतलब 3 तारीख को ही इनका PFMS वेरीफाई हो गया अगस्त में और पेमेंट मोड अकाउंट और इनका जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डॉन, बैंक नेम बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, क्रेडिट डेट जो है 24/8/2020, मतलब 24 तारीख को इनका जो है पैसा आ चुका है। तो ये जो है नए किसान भाई हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आप तो पहले ही देख लिए हैं 1/8/2020 और PFMS रिस्पॉन्स डेट 3/8/2020। तो ये नए किसान भाई हैं। तो नए किसान भाई जितने हैं उनका पैसा आना जो है शुरू हो गया है। अगर आप भी नए किसान हैं तो आपको पैसा कब मिलेगा, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं पैसा आने का प्रोसेस क्या है, पेमेंट आने का जो है इंस्टॉलमेंट आने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका पेमेंट स्टेटस, आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना होगा, फिर वहां पर जाकर देखना होगा पेमेंट स्टेटस में आपका क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल या तो RFT या तो FTO। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले आपका आता है वेटिंग फॉर अप्रूवल, फिर आपका RFT, फिर आपका FTO। तो अगर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो कम से कम आपको 20 दिन लगेगा और अगर RFT आ रहा है तो 15 दिन और अगर FTO जनरेट हो चुका है तो आपको 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो वेटिंग फॉर अप्रूवल का मतलब हो जाता है आपका जो है, अगर वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो वेटिंग फॉर अप्रूवल का मतलब हो जाता है आपका अप्रूवल के लिए स्टेट पर अभी पेंडिंग पर है और जैसे ही आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल के बाद आपका RFT आता है तो RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र के लिए जो है स्टेट से अप्रूवल मिल चुका है और आपका सेंट्रल भेजा गया है। तो उसके बाद आपका आता है जहां सेंट्रल भेजने के बाद आपका वहां से वेरीफाई हो जाता है तो आपका FTO जनरेट होता है, FTO इज़ जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज़ पेंडिंग। तो FTO जनरेट होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर आपका पैसा आ जाता है, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर होने के बाद आपका 1 सप्ताह के बाद पैसा आ जाता है। तो अगर आपके स्टेटस में अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल बता रहा है तो 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अगर अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है तो आपको कुछ दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा और अगर आप नए किसान हैं तो
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको पीएम किसान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स।